हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने आप लोगों को बहुत सारे जड़िया बूटियों के बारे में जानकारी दी है अपने चैनल में, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है घरेलू इलाज। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को घरेलू इलाज बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके। ये इस प्रकार से देख लीजिए पौधे, ये है बुरांस के पौधे, और दुनिया भर में पता नहीं कितने प्रकार के जड़िया बूटी होती हैं इसी प्रकार के, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। संसार में जब दोस्तों एलोपैथिक चिकित्सा का प्रचलन नहीं था, यानी जो अभी हम कह सकते हैं मेडिसिन दवा, इसका प्रचलन नहीं था, तो उस समय आयुर्वेदिक दवा का ही प्रयोग करके बीमारी का उपचार होता था। प्राकृतिक तरीके से किए गए उपचार 100% काम करते हैं, फायदे नहीं देते तो नुकसान भी नहीं करते। ये 5 मिनट के वीडियो में बताया गया जानकारी बुरांस के बारे में, मैं जो जानकारी बताऊंगा ये आपको जिंदगी भर काम आएंगे। मैं आप लोगों को तरह तरह के पेड़ पौधों की जानकारी बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके। और इन प्रकार जो हमारे वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार के पेड़ पौधे, सबकी आपको आयुर्वेदिक जानकारी हो, ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से गुजरना ना पड़े। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, 5 से 6 मिनट की वीडियो होने वाली है, हो सकते 4 मिनट में भी मैं जानकारी खत्म कर दूं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती। अभी भी जो आप हमारे वीडियो को देखते हैं, जो जानकारी हम आप लोगों को जड़ी बूटी के माध्यम से बताते हैं, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं, लेकिन 100% काम आते हैं। तो इसे आयुर्वेद में बुरांस के नाम से जानते हैं, और श्वसन संबंधी बीमारी के लिए किसी रामबाण दवा से कम नहीं है। जैसे कि श्वास संबंधी बीमारी, सांस का फूलना है, खांसी सर्दी जुकाम वगैरह आ जाना है, उसके लिए सबसे रामबाण दवा है। दाद खुजली है उसके लिए भी। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप हमें hariomcare305@gmail.com पर भी मेल करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा आपकी बिल्कुल ही मदद की जाएगी। बुरांस के फायदा बताने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे दर्शक नहीं बल्कि मेरे परिवार के सदस्य हैं। हर कोई चाहता है कि उनके परिवार में रहने वाले सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे। ठीक इसी प्रकार मैं भी चाहता हूं दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं मेरे दर्शक नहीं मेरे बल्कि परिवार के सदस्य हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे। कोई भी परेशानी तो मेल करके पूछे, मैं बिल्कुल ही आपकी मदद करूंगा। तो बुरांस के फायदे कुछ इस प्रकार से हैं, सांसों संबंधी बीमारी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस प्रकार से करना होता है, थोड़ा सा जटिल है। तो इसके सूखे पत्ते को तंबाकू के साथ में मिलाना होता है, और इसे धूम्रपान की तरह सेवन करना होता है। इसे श्वसन तंत्र पर काफी कहा जाए दोस्तों विकार पड़ता है, और एक ही इसके बार के प्रयोग से, जैसे कि सांस का ऊपर नीचे होना, ये सांस के ऊपर नीचे होने को रोक देते हैं, श्वास संबंधी बीमारी को ठीक करते हैं। दाद खाज खुजली उसके लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो बुरांस के नए पत्ते को पीस ले। ये पौधे आपने देखे नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो ये बाद में चल करके काम आएंगे। हम जो भी औषधि गुण बताते हैं बाद में चल करके काम आते ही आते हैं। हर पेड़ पौधों की जानकारी होना जरूरी है, हो सकता है आप इसका प्रयोग ना करें, लेकिन जो जानकारी लेते हैं बाद में किसी के लिए तो उपाय बता सकते हैं, जानकारी बता सकते हैं। तो बुरांस के नए पत्ते को पीस ले और इसे दांत पे लगाना है, इससे दाद खाज खुजली ठीक हो जाते हैं। शरीर की जलन है, तो बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को शरीर में जलन की परेशानियां रहती हैं, इस बीमारी में भी बुरांस का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो इसके फूलों का शरबत बना करके पीना होता है, शरीर की जलन जो होती है, तपन होती है, शांत हो जाती है। इसके बाद जोड़ों में दर्द है, गठिया में दर्द है, तो बुरांस के पत्ते को पीस ले और जोड़ों पर लगाए, इससे जोड़ों के दर्द और सूजन में लाभ मिलता है, गठिया के दर्द ठीक हो जाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका अंतिम फायदा बता रहा हूँ, श्वसन संबंधी बीमारी को ठीक करते हैं। तो श्वसन संबंधी बीमारी में खांसी भी आता है, तो बुरांस के पत्ते का चूंडा बना ले और इसे नाक के द्वारा ले जाने की कोशिश करे, ठीक है, या इसके रस को नाक पे टपका देने से श्वसन संबंधी बीमारी जैसे कि खांसी है ये ठीक हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी प्राकृतिक उपचार आपको जरूर पसंद आया होगा। इस पौधे को शायद बहुत से कम लोग देखे होंगे, तो वीडियो को देख करके पहचान लीजिए। हम चाहेंगे अब हमारे आने वाले वीडियो इसी प्रकार के नए जानकारी हो, तो इस प्रकार की जानकारी आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।